नॉमिनेशन के जिन रस्तों से आया तक आया हूँ, मैं हैरान हूँ जैसा सड़कों पे समर्थन मिला है। मैं 14 में भी फॉर्म भरा था, इस क्षेत्र ने विजय भी दिलाई थी प्रचंड, लेकिन जो हमने जन समर्थन 14 में देखा था उससे दोगुना तिगुना लोगों का जन समर्थन आज हमने सड़कों पे देखा। हमारे नेता प्रतिपक्ष विजय गोयल जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, विजय गोयल जी और हमारे सभी प्रमुख साथी, हम सब आज बड़े ही पॉजिटिव मन से नरेंद्र मोदी जी को 7 की 7 सीटें देंगे और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली उसमें सबसे ज्यादा मतों से जीते। बड़ा हजूम जो है वो रोड शो में दिखाई दिया, जहां से आपने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से लेकर यहां तक एक बड़ा हजूम आपके साथ में रहा। अरे मैं क्या बताऊं, मैं बता रहा हूं ना कि ये हजूम के साथ साथ जो उनका जोश था उसको मैं प्रणाम करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता ने, जिसने पहली बार इसी शासन में मेट्रो देखा, जिसने पहली बार इसी शासन में सेंट्रल स्कूल देखा, जिसने पहली बार इसी शासन में सिग्नेचर ब्रिज खुलते देखा, जिसने पहली बार इसी शासन में मीतनगर सबौली स्टेशन हॉल्ट खुलते देखा, जिसने पहली बार इसी शासन में 4,500 करोड़ का एलिवेटेड रोड बनते देखा, जिसने शास्त्री पार्क फ्लाईओवर को फ्लाईओवर बनते देख रहे हैं और जो सैलमपुर फ्लाईओवर को चौड़ा होते देख रहे हैं, उन सभी लोगों का जो प्यार है ये सिद्ध करता है कि जो काम करेगा वही देश पे सेवक की भूमिका में रहे। कांग्रेस ने शीला दीक्षित को जिस तरह से कैंडिडेट बनाया है, आम आदमी पार्टी संदीप पांडे हैं, आप अपना मुकाबला सीधे तौर पर किससे देखते हैं? देखिए, हमारा मुकाबला उस शीला जी से क्या हो सकता है जो 15 साल मुख्यमंत्री रही हो फिर भी दिल्ली को पानी न मिल रहा हो साफ। हमारा उनसे क्या, हमारा मुकाबला ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट से नहीं है, हमारा मुकाबला दिल्ली की जो दुर्दशा है उससे है और उस दुर्दशा को हम समाप्त करें। सब्सक्राइब करें।